जैसे आप जानते हैं कि आप गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी और बंधा गोभी की खेती अब झारखंड प्रदेश में, खासकर अगर रांची क्षेत्र का या छोटा नागपुर की पठार का इलाका है, इसमें आप सालों भर कर पाते हैं फूलगोभी बंधा गोभी दोनों का, और इसमें बहुत सारे प्रभेद हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप खेतों का चयन कैसे करेंगे? पहले तो दोमट, जो बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी होती है जिसमें जल निकासी की उचित प्रबंध होता है, उसमें कार्बनिक तत्व उचित मात्रा में हो, ये सबसे उपयुक्त होता है। साथ ही साथ सिंचाई की भी व्यवस्था इसमें आपको करनी होती है, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। मौसम का जहाँ तक सवाल है तो हमारे प्रदेश में झारखंड में सालों भर फूलगोभी और बंधा गोभी की खेती किसान भाई करते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह के प्रभेद उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर मुख्य सीजन में करना हो, जिसकी हम आमतौर पर बीज की बुआई नर्सरी में पहले बिचड़ा उगाने के लिए अक्टूबर में करते हैं, फिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक इसकी रुपाई कर देते हैं मुख्य खेतों में, और दिसंबर जनवरी में इसका जो फूलगोभी या बंधा गोभी का उत्पाद है बाज़ार में आ जाता है। लेकिन आघात करना होता है जो सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं, नवंबर में निकलते हैं, जो उसकी थोड़ी हमें पहले बुआई करनी होती है। इस बात का ध्यान देना है कि हमें 20 से 25 दिन लगता है बिचड़ा तैयार होने में। थोड़ी गर्मी का मौसम होता है तो थोड़ा और कम दिनों में तैयार हो जाता है, 20 दिनों में 18 दिनों में बिचड़ा लगाने लायक हो जाता है, इसका हम लोग को ध्यान रखना होता है। दूसरी बात कि अब ऐसे प्रभेद भी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सालों भर फूलगोभी बंधा गोभी की खेती आप झारखंड प्रदेश में करते हैं, इसके लिए अलग अलग प्रभेद विभिन्न कंपनियों के बहुत सारे उपलब्ध हैं। जब भी आप प्रभेद का चयन करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस समय आप बुआई करने जा रहे हैं उसके लिए वह पर्टिकुलर प्रभेद जो आप खरीद रहे हैं बाज़ार से बीज, वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। अगर आघात लगा रहे हैं उसमें रहता है कि सितंबर में फल उत्पाद देने वाला है या अक्टूबर में देने वाला है या दिसंबर जनवरी में है, या ये गर्मी मौसम के लिए उपयुक्त है या बरसात के मौसम के लिए उपयुक्त है, जैसा कि आप देख रहे हैं कभी जुलाई अगस्त सितंबर में भी बाज़ार में बहुत सारे फूलगोभी और बंधा गोभी बाज़ार में बिक रहे हैं, तो इसके लिए अलग प्रभेद आते हैं, तो उस हिसाब से हमें प्रभेद का चयन करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूलगोभी बंधा गोभी या इसमें ब्रोकली भी इसके अंतर्गत आता है गोभी वर्गीय में, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम फूलगोभी या बंधा गोभी का उत्पादन लेने जाते हैं तो बहुत बड़ा होता है तब भी बिकने में दिक्कत आती है, या फिर एक से अधिक इसमें फल टमाटर बैंगन की तरह तो आना नहीं है, इसमें ब्रांचिंग भी नहीं होनी है, तो फिर हाइब्रिड की क्या आवश्यकता है? हाइब्रिड की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे हाइब्रिड ऐसे हैं, एक तो इसमें गुणवत्ता, जो आपका जैसे बंधा गोभी है तो जितना बड़ा ज़्यादा नहीं हो लेकिन वो बहुत सख्त हो, कॉम्पैक्ट उसका हेड हो, जितना टाइट होता है उतना अधिक उसको पसंद किया जाता है, तो एक तो कॉम्पैक्टनेस इसको हम कहेंगे। दूसरी बात हुई कि कभी कभी बंधा गोभी में हम लोग देखते हैं कि वो फटने लगता है, जैसे बंधा बनाया, जैसे हेड बना, उसको हेड हम लोग कहते हैं, बंधा गोभी का बंधा जैसे बन गया, उसके बाद जब तोड़ाई का समय आ रहा है उससे पहले ऊपर से क्रैक होने लगता है, तो उसका बाज़ार में मूल्य नहीं मिलता है, तो उसमें एंटी क्रैकिंग जीन हाइब्रिड कंपनी वाले डालते हैं, ये बात हुई। दूसरा हुआ कि कीड़े और रोग से लड़ने की क्षमता भी इसमें होती है, साथ ही साथ जैसे गर्मी के मौसम में उत्पादन लेना है तो सारे हाइब्रिड उपलब्ध हैं, बरसात के लिए है, तो इन सारी बातों को जब हम देखेंगे, और एक और बात महत्वपूर्ण, इसका यूनिफॉर्मिटी, एक साथ तैयार होना। जब आप व्यावसायिक खेती करते हैं तो आप ये नहीं चाहते हैं कि कुछ आज तैयार हो जाए, कुछ 10 दिन बाद तैयार हो जाए, तो आपका खेत अननेसेसरी 15-20 दिनों तक खेत में इंगेज रखेगा फसल। आपका किसानों का ये मकसद होता है कि जब हम फूलगोभी या बंधा गोभी इस तरह की फसल जो एक ही बार इसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तोड़ाई करनी है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक साथ सब तैयार हो, एक दिन हम हार्वेस्टिंग करें और व्यापारी को बुला के बेच दें, ताकि एक दिन में मेरा खेत खाली हो जाए, फिर हम दूसरा फसल के लिए तैयारी करें, बेचने में भी आसानी होगी।